हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंट्रोपी का पार्ट टू। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि थ्योरी का भी क्वेश्चन होगा और ज़्यादातर न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन होंगे। जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वो हर टाइप से यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एंट्रोपी का पार्ट वन आप लोग शायद देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट वन देखिए, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको पार्ट टू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, Which one of the following statement applicable to perfect gas will also be true for an irreversible process? तो perfect gas में हम लोग ये entropy में पढ़े थे twin equation of entropy, ठीक है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, twin equation of entropy जो होता है वो होता है, एक तो होगा TdS equal to du प्लस PdV, और दूसरा जो था वो था TdS, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, TdS इक्वल टू dH माइनस VdP, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, TdS इक्वल टू du प्लस PdV। इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछा गया है, अगर रिवर्सिबल भी प्रोसेस पूछा जाता तो यही होता ऑप्शन, क्योंकि एक जो इक्वेशन है हमारा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस सच दैट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो द प्रोसेस इज, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए डेल्टा एस जो होता है चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू या डी क्यू एक ही होता है, ये जो है डी क्यू और डेल क्यू सेम है, डेल क्यू बाय टी इक्वल टू जब जीरो होगा तो ये होता है एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। बट डेल्टा एस जो है एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या होगा, होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसलिए ये इसके पहले वाले भी वीडियो में मैं क्वेश्चन लिया था इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे इसलिए भी फिर लिया हूँ कि यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, अ सिस्टम ऑफ 100 केजी मास अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम 0.3 किलो जूल पर केजी केल्विन टू 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन, एट द सेम टाइम द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस फ्रॉम 80 किलो जूल पर केल्विन टू 75 किलो जूल पर केल्विन, द प्रोसेस इज, ये किस टाइप का प्रोसेस है पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला है हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेल्टा एस यानी चेंज ऑफ एंट्रोपी, किसका, सिस्टम का, नहीं टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज इक्वल टू होता है आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको पुट करेंगे, देखिए एंट्रोपी इंक्रीजेज, किसका एंट्रोपी, अ सिस्टम ऑफ 100 केजी मास, देखिए एम जो है 100 केजी
यहाँ पे दिया है मास दिया हुआ है सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम का ये मास जो है कॉमन है और सिस्टम के बारे में बात कर रहा, तो सिस्टम के लिए एंट्रोपी जो है ये देखिए एस वन है और ये एस टू है, यहीं पे डाटा लिख लिए। उसके बाद सराउंडिंग के लिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा वो हो रहा ये एस वन और ये एस टू, ये एस टू लिखेंगे इसको और इसको एस वन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग पहले डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए सिस्टम का एंट्रोपी निकालेंगे, फिर सराउंडिंग का निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एस टू माइनस एस वन। अब सिस्टम का एंट्रोपी जो है एस वन एस टू है, ठीक है, क्या है 0.4, मास तो है 100 और ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3, ठीक है। तो 0.4 माइनस 0.3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.1, 0.1 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लिए, स्पेस कम है यहाँ पे। अब देखिए डेल्टा एस अगर सराउंडिंग का निकालेंगे एंट्रोपी तो हो जाएगा मास इंटू एस टू माइनस एस वन, फॉर्मूला सेम है, बस सिस्टम की जगह सिस्टम का रखना है डाटा और सराउंडिंग का डाटा सराउंडिंग की जगह। तो यहाँ पे आप लोग देखे थे सराउंडिंग डिक्रीजेस फ्रॉम 80 किलो जूल टू 75 किलो जूल पर केल्विन, तो मास इसके लिए भी 100 हो गया और एस टू क्या आ गया 80 माइनस 75, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80 माइनस 75 5 इंटू 100, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो होता है एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन, और जो ये 80 था 80 वो एस वन है और 75 जो है एस टू है, यहाँ पे डाटा मैंने रॉन्ग बता दिया था, ठीक है। अब देखिए इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 किलो जूल पर केल्विन, ये हो गया सराउंडिंग, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस टोटल यानी यूनिवर्स ही तो होता है, तो इसको यूनिवर्स लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम है 10, ठीक है, और सराउंडिंग है माइनस 5, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो 10 प्लस माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलो जूल पर केल्विन, पर केल्विन, ठीक है। तो 5 किलो जूल पर केल्विन आ गया। अब इसमें पूछ रहा कि किस टाइप का ये प्रोसेस है, तो देखिए डेल्टा एस हम लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस इनवर्स जो होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी 5 आंसर आया है तो ये ग्रेटर देन जीरो है। जब ग्रेटर देन जीरो है तो ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अगर लेस देन जीरो होता, माइनस का साइन रहता अगर डेल्टा एस इनवर्स में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता। अगर ग्रेटर देन जीरो है डेल्टा एस तो ई रिवर्सिबल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ई रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसे करना है, काफ़ी सिंपल है। और सराउंडिंग में देखिए इसमें मास नहीं होता है, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज जब निकालते हैं तो मास इंटू एस टू माइनस एस वन होता है और सराउंडिंग में सिर्फ एस टू माइनस एस वन, ठीक है। तो ये याद रखना है, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक एसएससी जेई में इस टाइप का नहीं आया लेकिन आ सकता है और सिंपल है और कैलकुलेटर की यूज नहीं होती है इसमें। अ रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव 6 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर 800 केल्विन एंड 8 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम अनदर थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। इफ इट रिजेक्ट हीट टू अ थर्ड थर्मल रिजर्वायर एट temperature 100 Kelvin, then the thermal efficiency of engine is approximately equal to, thermal efficiency पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए डायग्राम ऐसे बनता है, इसको मैं बताता हूँ, ये एक हीट इंजन है, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है कि वो
हीट इंजन रिसीव कर रहा 6 किलो जूल का हीट, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ये रिसीव कर रहा है 600 केल्विन का जूल, 6 किलो जूल का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 किलो जूल, ये एरो नीचे की तरफ, और यहाँ पे उसका टेम्परेचर तो है फर्स्ट थर्मल रिजर्वायर का वो 800 केल्विन है, ठीक है, और सेकेंड जो रिसीव कर रहा, सेकेंड रिसीव कर रहा अनदर थर्मल रिजर्वायर, तो वो हीट जो है वो होगा 8 किलो जूल दिया हुआ है ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में। उसके बाद जो रिजर्वायर का थर्मल टेम्परेचर है, थर्मल रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन सेकेंड वाले का, और थर्ड वाला देखिए यहाँ से बोल रहा है इफ रिजेक्ट हीट, ये रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इफ रिजेक्ट हीट टू अ थर्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर 100 केल्विन, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट यानी हो जाएगा एक Q3, इसको हम लोग ले लेंगे Q1, इसको Q2 और एक Q3, रिजेक्ट हीट Q3 और टेम्परेचर जो इसका है रिजर्वायर टेम्परेचर वो है 100 केल्विन, और Q3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें थर्मल इफिशियंसी निकालने के पहले Q3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर थर्मल इफिशियंसी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला है इंटीग्रल dQ/T = 0, ये कब होता है रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए तो इस फार्मूला से हमारा एक इक्वेशन बनेगा, वो होगा Q1/T1 + Q2/T2, हीट रिसीव कर रहा और थर्ड वाला जो है हीट रिजेक्ट कर रहा, तो माइनस का साइन लगेगा Q3/T3, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो है वहाँ पे वो पुट करेंगे हम लोग वैल्यू, ठीक है, तो Q1 कितना है, Q1 है आपका 6/800, यहाँ पे देखिए 6 और 800 प्लस Q2 जो है 8 है / 600 माइनस Q3 तो हमें निकालना है / T3 100 केल्विन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा Q3 का जो वैल्यू आएगा, Q3 का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 किलो जूल, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा विदाउट कैलसी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हो जाएगा 2 किलो जूल। थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी है तो थोड़ा नीचे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ, तो ये 2 किलो जूल हमारा हो गया। तो एक हमारे पास फार्मूला है इफिशियंसी का, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, तो वर्क डन क्या है, वर्क डन है Q1 + Q2 - Q3 / Q1 + Q2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये वर्क डन जो है वो टोटल लिखना पड़ेगा Q1 + Q2 - Q3 / Q1 + Q2 × 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, और हीट सप्लाई जो है Q1 + Q2, ये हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे, ये सब Q1 Q2 Q3 हमारे पास है, तो इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा 12/Q1 + Q2 हो जाएगा 14, ये Q1 + Q2 यहाँ पे 14 हो जाएगा, और Q1 + Q2 - Q3 जो है वो 12 हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हूँ मैं, ठीक है, 14 - 2 = 12 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.85 यानी 85%, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 85%। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन नया है लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए,
A Carnot engine operates between 27 degree Celsius and 327 degree Celsius. If the engine produces 300 kilojoule of work, what is the entropy change during heat addition? मतलब entropy change यानी delta S पूछ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो delta S का formula अगर हम लोग बात करें तो होता है Q1 by T1, ठीक है? इसके पहले देखे थे Q1 by T1, Q2 by T2, ठीक है? तो उसी पे ये भी solve हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले डाटा लिखेंगे, तो हमारा डाटा है ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T1, ठीक है? तो T1 जो है वो ज्यादा वाला टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ऐड कर देंगे 273, तो ये हो जाएगा केल्विन में, तो हो जाएगा 600 केल्विन, और T2 हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसमें भी ऐड कर देंगे क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर हमें करना है, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और वर्क डन हमें दिया हुआ है ये 300 किलो जूल, ठीक है? तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन हमें फाइंड करना है डेल्टा एस, तो इसमें Q1 अपन T1 होता है, T1 तो दिया हुआ है यहाँ पे, बट T1 दिया है पर Q1 जो है वो नहीं दिया है, कहीं दिख नहीं रहा, तो हम लोग Q1 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, वो डायग्राम एक बार बना देता हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है लेकिन बना देता हूँ। T1 है ये Q1 है, ये हीट इंजन, ठीक है, वर्क डन, और ये Q2 और ये T2, ठीक है, ये डायग्राम है आपका। तो Carnot इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे, Carnot efficiency equal to होता है 1 minus T2 upon T1, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 1 minus T2 के इधर है, T2 है 300 divided by 600, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, 1 minus 1 by 2, यानी हो जाएगा 0.5 आ गया Carnot efficiency। अब एक Carnot efficiency का एक और फॉर्मूला है, Carnot equal efficiency equal to work done upon Q1, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग Q1 निकालेंगे, Q1 की हमें जरूरत थी, ठीक है? तो Carnot efficiency अभी हमने find की है, कितना है 0.5, और work done दिया हुआ है 300 kilojoule, और Q1 निकालना है, ठीक है? तो हम लोग Q1 की वैल्यू अगर यहाँ निकालेंगे तो Q1 equal to हो जाएगा 300 upon 0.5, यानी हो जाएगा 600 केल्विन, ठीक है? Q1 किलो जूल में होगा, ठीक है? हीट है तो किलो जूल में होगा, टेम्परेचर नहीं है, तो एक 600 किलो जूल आपका Q1 आ गया। अब देखिए एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन, ठीक है? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन यानी डेल्टा एस वन, इसको हम लोग वन बोलेंगे, डेल्टा एस वन इक्वल टू Q1 बाय, यहाँ पे वन लिख देता हूँ, Q1 बाय T1, तो हो जाएगा Q1 हमारे पास आ गया अभी 600 किलो जूल, और T1 टेम्परेचर कहाँ है वो भी है 600 की, ठीक है? ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1, तो 1 किलो जूल पर केजी, एंट्रोपी चेंज का यूनिट है किलो जूल पर केजी, तो 1 किलो जूल पर केजी आ गया, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 1 किलो जूल पर केल्विन। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है? और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है? और काफ़ी ये सिंपल है, एकदम सिंपल है, पेपर में आप सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, T1, T2 और W डाटा लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, द एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस इज द सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ कंस्टिट्यूएंट इवेल्युएटेड एट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, ठीक है? सेवेंथ क्वेश्चन देखिए,
for a real thermodynamic cycle which one of the flowing is correct. ठीक है, इसमें से कौन सा correct है देखेंगे. ठीक है, ये है integral dq upon t equal to zero. ये question इसलिए लिया हूँ, देखिए ये क्या पूछ रहा, real thermodynamics. ठीक है, ये real नाम दिया है. real thermodynamics ये पहले बता दो देता हूँ, real thermodynamics होता है irreversible. ठीक है, इरिवर्सिबल जो होता है ना एंट्रोपी का वही रियल होता है. तो इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो, यही तो होता है. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असाइनिंग द बेसिक डायमेंशन टू मास लेंथ टाइम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली एज मास का एम लेंथ एल टेम्परेचर टी एंड थीटा जो है वो टेम्परेचर है. ठीक है, तो देखिए और टी जो है टाइम है, थीटा टेम्परेचर है. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द एंट्रोपी, तो डायमेंशन पूछ रहा है एंट्रोपी का. तो होता है डेल्टा एस या डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी यानी डी क्यू अपॉन टी. ठीक है, तो डी क्यू जो होता है वो हो जाएगा आपका मास इंटू एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू और टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा. ठीक है, टेम्परेचर का थीटा हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू और थीटा इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे जिन पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन ले लिया हूँ क्योंकि डायमेंशनल सिर्फ क्वेश्चन आता है, तो शायद एंट्रोपी का ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है, तो इसलिए ये ले लिया हूँ. ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू थीटा इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ, द चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अंडर गोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन बाई एस टू माइनस एस वन इक्वल टू सी पी माइनस सी बी एल एन वी टू अपन वी वन, दिस इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट याद कर रख सकते हैं, ये है ऑप्शन बी होगा इसका, आइसोथर्मल प्रोसेस अंडर गोन बाई एन आइडियल गैस. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो ये जो होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस अंडरगोन बाय एन आइडियल गैस होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, इंपॉर्टेंट है ये आता है, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट, तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है, आपको बताया था. ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट है द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड टू, तो इनवर्स एंट्रोपी इनवर्स का कितना हो कितना होता है, बी मैक्सिमम, वो ज्यादा होता है तो हो जाएगा बी मैक्सिमम, राइट ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंपॉर्टेंट है, अ लिक्विड ऑफ हीट कैपेसिटी 5 जूल पर केल्विन इज एन इंसुलेटेड कंटेनर इज हीटेड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन इफ एल एन टू का वैल्यू दिया है 0.693 एंट्रोपी जनरेशन ऑफ द इनवर्स वुड बी, तो एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है देखिए, फॉर्मूला यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एंट्रोपी जनरेशन यानी एस जनरेशन आप लोग देखे थे. ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वो होगा सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी पी क्या है, हीट कैपेसिटी यहाँ पे दिया है, वो वाला सी पी नहीं है, यहाँ पे हमारा सी पी दिया है 5 जूल पर केल्विन, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 और 5 इंटू एल एन टी टू अपॉन टी वन, तो टी टू जो है वो 600 केल्विन दिया है और टी वन जो है 300 केल्विन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 2, तो एल एन टू आ गया, एल एन टू इसलिए एल एन टू का वैल्यू दिया है क्योंकि ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे विदाउट कैल्सी, तो इसलिए एल एन टू का वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू एल एन टू आ गया हमारा, तो एल एन टू हो जाएगा 0.693. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3.465 जूल पर केल्विन
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 3.465 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए ऑप्शन कितना पास पास दिया है, 34.65 भी दिया है, तो गलती से ये भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है, राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हर टाइप का मैं न्यूमेरिकल इसमें मैं ले लिया हूँ, हर टाइप का थ्योरी से क्वेश्चन से लेके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आने के चांसेस है आपके एग्जाम में या जिस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन इफ द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन इज 1 किलो जूल पर केल्विन द वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन इज। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे वहां पे एंट्रोपी जो चेंज हो रहा था हीट एडिशन में वो सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर 1 किलो जूल पर केल्विन आया था। यहाँ पे जो वहां पे जो आंसर आया था वो यहाँ पे दिया है डाटा में और हमें निकालना वर्क डन है। ठीक है, वहां पे वर्क डन कितना था वो क्वेश्चन अगर याद होगा तो 300 किलो जूल है। अब इसका भी राइट ऑप्शन 300 किलो जूल ही आएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि डाटा सेम है, यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस निकालना है और हीट एडिशन दिया गया है, वहां पे वर्क प्रोड्यूस 300 दिया हुआ था और हीट एडिशन हमारा 1 किलो जूल आया था, एकदम सेम क्वेश्चन है, उल्टा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ले लिया हूँ ताकि और आपको डेप्थ में समझेगा क्या होता है। ये देखिए 600 केल्विन T1 हो गया, Q1 ये हीट इंजन है, W हीट इंजन या कार्नोट इंजन, ठीक है कार्नोट लिख सकते हैं, उसके बाद हमें वर्क डन ही तो निकालना है और एक हो गया Q2 और ये T2 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, अब हीट एडिशन दिया हुआ है डेल्टा एस, डेल्टा एस हमें निकालने थे, यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा एस क्या है, हीट एडिशन, ठीक है वो दिया गया है 1 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, पहले ही समझ में आ गया, हम लोग सॉल्व किए थे, तो वर्क प्रोड्यूस वहाँ डाटा में था 300 किलो जूल, यहाँ हमें सॉल्व करना है, तो देखिए आता है कि नहीं आता है, कैसे आता है देखिए, तो डेल्टा एस जो है हीट एडिशन का वो हो जाएगा Q1 अपॉन T1, ठीक है लिख लेंगे Q1 अपॉन T1, तो डेल्टा एस 1 हमें दिया हुआ है, Q1 हमें निकालना है और T1 दिया हुआ है 600 केल्विन, तो अगर यहाँ पे Q1 की बात करें तो Q1 हो जाएगा 600 किलो जूल पर केजी। ठीक है, यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्यू का वैल्यू क्या है, किलो जूल होता है पर के जी में, किलो जूल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कार्नोट इफिशियंसी का, डब्लू बाई क्यू, देखिए इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कार्नोट इफिशियंसी होता है 1 - T2 upon T1, ये हम लोग सॉल्व किए थे, और एक फॉर्मूला और होता है डब्लू अपन क्यू, तो इस दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस दो फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो 1 - T2 upon T1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है W by Q, तो W हमें निकालना है, W और Q1 दिया है, Q यानी Q1 हम लोग ले लेंगे 600। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - T2 upon T1, तो T2 कितना दिया हुआ है हम देख सकते हैं, 300 upon T1 600। ठीक है, ये हो जाएगा 1 upon 2, तो ये हो जाएगा 1 - 0.5 W upon 600, 1 - 0.5 = ये हो जाएगा 0.5, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 0.5 × 600, तो हो जाएगा 300 किलो जूल। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन आ गया 300 किलो जूल, तो सी हो जाएगा ऑप्शन 300 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बार बार बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ आपको, फिर भी क्वेश्चन ले लिया हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये आता है, आइसेंट्रोपिक फ्लो इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which of the following process is irreversible flow? तो throttling process जो होता है वो irreversible process होता है. H1 equal to H2 throttling process. तो right option हो जाएगा C, throttling. Next question. Entropy change depends on. Entropy जो change होता है किस पे depend होता है? Heat transfer पे depend करेगा entropy. तो right option हो जाएगा A, heat transfer. Concept हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें पता है. Next 17th, the entropy change of the system and the surrounding during a process between two equilibrium state is. तो देखिए ये पहले मैं question answer बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ. Entropy change जो होता है delta S total जो होता है, इसका formula हम लोग लिखे थे delta S system plus delta S surrounding is greater than equal to zero. तो इसलिए क्वेश्चन ले लिया हूँ कि ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेई में ये पूछा गया है, और जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था उस टाइप से बताया था. तो ये आपको सॉल्व करके बताया था. तो इस और इसी टाइप से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का सिंपल तरीका. तो क्या है, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग अ प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट इज greater than equal to zero. देखिए greater than equal to zero, तो right option D हो जाएगा, greater than और equal to zero. इसलिए question ले लिया हूँ कि ताकि आपको formula से याद आ जाए कि formula से question कैसे solve करना है theory का, ठीक है. तो जो formula हम लोग देखते हैं वही चीज है, theory में घुमा फिरा के question इधर से उधर पूछा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंट्रोपी एलवेज इंक्रीज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच इट इज. ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है और एसएससी का जेई का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं ये अलग अलग तरीके से ले रहा हूँ. सेम ही क्वेश्चन, आइसोलेटेड सिस्टम, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे एंट्रोपी यूनिवर्स. एंट्रोपी यूनिवर्स क्या होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन एक था, वो हम लोग लिखे थे बी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम. तो ये वही पूछ रहा है, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच इट इज, तो ये होगा मैक्सिमम, ठीक है. तो ये राइट ऑप्शन ये हो जाएगा. नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर व्हेन टू गैसेस आर मिक्स इन. तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या होगा जब दो गैसेस को मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सब पहले से ज्यादा हो जाएगा. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हायर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. ओके, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो होगा हायर हो जाएगा इंडिविजुअल गैस के अकॉर्डिंग, वो उससे कंपेयर करें तो टू गैस को मिक्स कर देंगे तो उसका डिसऑर्डर होगा और ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज व्हाट दिस डिपिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी जो यूनिवर्स का कभी डिक्रीज नहीं होता है, वो ऑलवेज इंक्रीज होता है. ठीक है, एंट्रोपी जो यूनिवर्स का होता है वो ऑलवेज इंक्रीज होता है, ऑलवेज इंक्रीज. ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल प्रोसेस हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इम्पॉसिबल प्रोसेस. ओके फ्रेंड्स, तो ये एंट्रोपी का पार्ट टू में हमने सारे टाइप का क्वेश्चन कर दिए. इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, कोई भी एग्जाम हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, इसके बेसिस पे आप पार्ट वन पार्ट टू देखेंगे, एंट्रोपी का सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.